जिसमें से अभी हम 7 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं और भी करना है उसमें, तो इंशाल्लाह आइंदा तालीमी साल पर हमारा इरादा है कि वो तालाब मीर जुमला के स्कूल में नेक्स्ट ये साल नहीं आइंदा तालीमी साल से उसका भी आगाज करेंगे, नर्सरी और यूकेजी एलकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तक भी लेंगे वहाँ पे बोल के इरादा है। और हम ये सोचे कि उसमें 5 सेक्शन रखेंगे और एक एक सेक्शन में 40 बच्चे रहेंगे, तो इस हिसाब से 1000 से ज़ायद बच्चे शायद वहाँ पे दाखिला लेंगे आइंदा साल। फिर जूनियर कॉलेजेस बंद हो गए हैं तो वो जूनियर कॉलेजेस खोलने की इजाज़त लेने की हम कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल जाती है तो उस पर भी गौर करेंगे। और मोहलपुरा स्कूल में हम जो बिल्डिंग स्कूल के लिए बनाए थे लेकिन बाद में हम वो डैजलिंग की इमारत लिए, तो हमारे हर स्कूल में 2 सेक्शन या 3 सेक्शन होते हैं, तो डैजलिंग में हम 5 सेक्शन करें। 5 सेक्शन करने की वजह यह है कि मोहलपुरे में हम जो 2 सेक्शन लेने का इरादा कर रहे थे 80 बच्चों का हर साल, तो हम उसको डैजलिंग में मूव कर दिए। और मोहलपुरे के स्कूल में हमारा इरादा यह है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फ्री कोचिंग देंगे, जैसा नीट है और एमसेट है, आईसेट है, लॉ सेट है, और फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हम वहाँ पे एक सेंटर बना के देंगे। और उसके बाद हमारा इरादा है कि ये पैरामेडिकल ट्रेनिंग कोर्सेज जो होते हैं तो उस ताल्लुक से भी आज हम बैठकर जायज़ा लिए और उसको भी किस तरीके से देखकर हम अपनी जानिब से ताउन या मदद कर सकते हैं वो बच्चों को यहाँ पे दाखिला देने के वास्ते, वो भी हम पूरा जायज़ा लिए। और अगर हम 2020 से लेकर अगर आज तक देखें तो अब तक हम हमारे स्कूल्स पर करीब 50 करोड़ रुपये का सरफा कर चुके हैं और अभी हमको और आगे भी सर्व करना है और ये स्कूल्स को कंप्लीट करना है। तो बहरहाल एक हमने इमदाद तकसीम की थी, जिंदगी के हर छोटी मदद भी हमने की और हमारी जानिब से कोशिश की थी, अल्लाह ने हमसे काम लिया। सेकेंड लॉकडाउन में मैं नहीं था लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे लॉकडाउन में हम अपनी जानिब से, मेरी जानिब से, मेरी दाद की जानिब से और मेरे खुद के ट्रस्ट जो सालारे मिल्लत के नाम से चलाया जाता है जिसमें किसी का कोई ताउन नहीं होता है, सिर्फ मैं अपने तरफ से चलाता हूँ, तो हम पका हुआ खाना दिए और आप लोग जानते हैं कि काफ़ी लोगों को हमने पका हुआ खाना तकसीम किया सेकेंड लॉकडाउन में, और शायद करीब 1 लाख लोगों का पका हुआ खाना, सेकेंड लॉकडाउन में 1,40,000 पका हुआ खाना हमने तकसीम किया। और फिर 20 लाख रुपया हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के तकसीम और रीफिलिंग के लिए मैंने अपनी जानिब से मेरे कॉरपोरेटर्स के जरिए हमने किया। और एक बात भी मैं बोलूँगा ज़रूर कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उसको भी मेरी जानिब से और मेरे चलाए जाने वाले ट्रस्ट की जानिब से 30 लाख रुपये का किया हमने दिया। तो ये सेकेंड लॉकडाउन में भी 30 लाख रुपये मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट को हमने अपनी जानिब से दिया, जिसके जरिए चंद्रायन गुट्टे के मुतासरा और ऑक्सीजन की ज़रूरतमंद लोगों की मदद की गई और वो मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था उसमें भी हमारी जानिब से ताउन हुआ उस 30 लाख के जरिए। और फिर 20 लाख अलायदा हमने अपनी जानिब से अपने कॉरपोरेटर्स के जरिए कई लोगों को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तकसीम की। और ये हकीकत है, इस बात से कोई इंकार नहीं करेगा कि मेरी गैर मौजूदगी के बावजूद भी हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे के
मुतासरा लोगों को परेशान होने से मेरे कॉरपोरेटर्स मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स और कारकुनों ने काफी मदद की। हमारे पास पूरी फेहरिस्त है कि कितने लोगों की हमने मदद की और फिर खाना भी खर्च हुआ करीब फिर से 95 लाख रुपया हमने खर्च किया सेकेंड लॉकडाउन।